हेलो गाइस, आई एम हिमांशी दीजिए, सेवन्थ क्लास मैथ है, चैप्टर टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज है हमारे 2.4। यदि हमें चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर वन है 2.4 का। तो क्वेश्चन नंबर वन में इसमें दिया है कि हमारा इसमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ को। तो हमारे इसमें 12 डिवाइड करना है हमारा 3/4 को, तो इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 12 मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई के करेंगे तो कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। 3/4 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। अब यदि कोई संख्या कट जाए तो आप काट सकते हो, तो 3 से 12 कट जाएगा, 3 4 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 4 = 16। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, इसमें 14 डिवाइड करना है हमें 5/6 से। तो सेम करेंगे कि 14 मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/6 का, तो ये कितना आ जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो ये 6/5 हो जाएगा, तो यहाँ से तो कोई ऐसा कोई संख्या कटेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, एंड यहाँ पे इसकी 1/1 कर देंगे 1 × 5 के साथ। तो अब इसको करेंगे 6 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 = कितना आएगा 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे इसका कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, 6 × 1 = 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1/2 कितना आ जाएगा इसको 5। अब ये क्या होगा, ये इसके आंसर्स हो जाएगा। अब देखते हैं हमने थर्ड में क्या दिया है, इसमें 8 डिवाइड करना है मतलब 7/3 से। तो हम इसको क्या करेंगे, जो सोल्व करेंगे तो 8 × 3/7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 की 3 में करेंगे, 8 × 3 = कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 16 और 3 = 24 और 7/7। तो ये क्या हो जाएगा, इसके आंसर्स हो जाएगा। अब देखते हैं कि 4 आया है, 4/8/3। तो इसको कैसे करेंगे, 4 × रेसिप्रोकल से करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 और 1/2 कितना आ जाएगा हमारा 8। अब इसमें इसको क्या हो जाएगा, इसमें अब और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको 2 से कट जाएगा, क्योंकि अभी क्या इम्प्रॉपर है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 6 = 12 और 2 4 = कितना आ जाएगा इसमें 8। 2 से फिर कर जाएगा 2 3 = और कितना आ जाएगा ये 2 2 = तो कितना आ जाएगा हमारा 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब हम इसमें और भी इसको कम कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 = 2 और ये फिर, तो कितना आ जाएगा 1 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारा इसमें 4 है, ये करते हैं 4, ये 4 किया मैंने। अब ये वाला इसमें से मैं एक कराऊंगी आपको, तो ये जो 5th है तो 3 डिवाइड कितना आएगा 2 1/3 ये। तो ये आपके लिए HW, ये आप इसको खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। फिर देखते हैं 6 में हमारा 5 डिवाइड करना है 3 4/7 को, तो इसमें ठीक है इसके वो रेसिप्रोकल से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो पहले इसको प्रॉपर में वो इसमें करते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यदि मैं 3 4/7 को करूँगी, 4 3 = 21 में यदि 4+ कर देंगे तो 25/7 आ जाएगा। अब यदि इसमें के रेसिप्रोकल से करूँगी, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा हमारा 25। तो आप देख लीजिए क्या इससे कट जाएगा, तो 5 5 = कितना 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच इन द फ्लोइंग द फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज द प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इन द होल नंबर। तो इसमें जो आंसर दिया है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर क्या होता है। तो प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होगा, तो प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होगा, फ्रैक्शंस इसका मतलब क्या है कि नोमिनेटर छोटा है, मतलब यदि मैंने बोलूँ 2/4 इसका मतलब क्या है कि नोमिनेटर छोटा है। यदि इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब है जिसका नोमिनेटर ज़्यादा है, मतलब 15/7 तो इम्प्रॉपर होगा। और होल नंबर में क्या होगा कि जीरो से लेके जब 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो एन इसमें जो भी संख्या आ जाएगी वो सब होल नंबर में होगी, तो होल नंबर ये होता है। अब इनमें करते हैं क्वेश्चन एक के बाद एक करते हैं हम इसमें। तो इसमें दिया हमारा 1, इसमें दिया हमारा 3/7। अब 3/7 है तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसमें करेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। तो 3/7 का मतलब ये क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर 7 है तो नोमिनेटर बना दो इसमें 7, ये डिनोमिनेटर ये आएगा हमारा 3। ये क्यों होता है कि हम इसको ऐसे करते हैं हंसकी कि 3/7 हम यदि उसको रेसिप्रोकल से करेंगे 7/3 तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी, हमारा 1 आएगी। तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7। अब ये कौन सा है, ये हमारा 7/3, इसका मतलब नोमिनेटर ज़्यादा है हमारा, इसका मतलब कौन सा है, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब इसमें देखते हम सेकंड, ये हमारा 5/8, इसको यदि रेसिप्रोकल की फॉर्म में करेंगे तो कितना आएगा, 8/5। तो ये भी कौन सा होगा, ये भी होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर हमारे इसमें थर्ड है 9/7, इसका यदि हम रेसिप्रोकल करेंगे 7/9 तो यहाँ पे क्या नोमिनेटर जो छोटा है और क्या नाम डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रॉपर है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपको लिखना है। अब इसमें हम करते हैं फोर्थ, फोर्थ में हमें दिया है 6/5, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/6 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखते हैं हमारे इसमें, अब हमारे पास 12/7, 12/7 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 7/12। तो इसमें नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर, तो कौन सा ये हमारा प्रॉपर है प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमारा इसमें है ये 1/8, क्या है 1/8 है, ये इक्वल है तो 1/8 इसका मतलब 8/1। तो ये 1/1 है क्या है, ये भी हमारे जब जीरो के साथ नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा 8, ये होगा हमारा होल नंबर होल नंबर फ्रैक्शंस। फिर हमारे इसमें है कि 1/11, जब इसको प्रॉपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11/1, या फिर हम इसमें 11 कर देंगे तो 11 भी क्या है, एक अपने आप में एक होल नंबर है, इट इज होल नंबर्स। तो अभी क्या होगा इसमें, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।